राजू मास्टर का लेटेस्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिले। विक्की भैया, रवि भैया, क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे बक्से में से? कृष्णा, ज्योति के गहने का है। छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। सीधी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेचकर तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, क्या हम चोर दिखाई देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर गहने कहाँ गए? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन, इन्हें समझाइए। इस घर में कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी, इन्हें डांटिए, अभी का अभी डांटिए। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहां बेच कर आए। साहब जी मत कहो मुझे। साहब जी, इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। अरे भैया, हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे मां बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी, और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे? अरे मुझ अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से यह समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहां पर, कभी नहीं आऊंगा अभी। मेरे दिल